चंद्रयान 3 ने रिसेंटली मून पे लैंड किया। कई कंट्रीज मून पे अपना स्पेसक्राफ्ट भेज चुकी हैं और बाकी कंट्रीज भेजना चाहती हैं। पर रिसर्चेस में तो ये प्रूव हो चुका है कि मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो ये स्पेसक्राफ्ट उधर भेजे क्यों जा रहे हैं? वेल, उसका सबसे बड़ा रीजन है ग्रीन एनर्जी। यस, मून पे ग्रीन एनर्जी बनाने के रिसोर्सेज मिले हैं और हम सबको पता है कि वर्ल्ड में वही कंट्री डोमिनेट करेगी जिसके पास एनर्जी रिसोर्सेज कलेक्ट करने का प्राइमरी सोर्स होगा। पर पहले समझते हैं कि ग्रीन एनर्जी की जरूरत क्या है। आज वर्ल्ड में मेजर एनर्जी प्रोडक्शन होता है फॉसिल फ्यूल को बर्न करके, जिसे एनवायरमेंट में हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कई गैसेस रिलीज होती हैं, और ये सारी गैसेस हमारे प्लेनेट को पॉल्यूट करती जा रही हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग काफी बढ़ गया है। और इसी वजह से आज सोलर, विंड और थर्मल एनर्जी जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को प्रायोरिटी दी जा रही है। पर इन सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की मेन प्रॉब्लम है बजट, क्योंकि इनको बनाने के लिए इतना पैसा खर्च हो जाता है कि ये फॉसिल फ्यूल से महंगा पड़ता है, जिस वजह से ग्रीन एनर्जी मेन स्ट्रीम में आने के लिए स्ट्रगल कर रही है। और इसी का सॉल्यूशन निकला है मून पे मिले एक एलिमेंट से। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग फॉसिल फ्यूल से बनी एनर्जी को रिप्लेस किया जा सकता है एक प्रोसेस से जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए चाहिए होता है हीलियम 3 नाम का एक केमिकल एलिमेंट। और हीलियम 3 हमारे प्लेनेट पे सिर्फ और सिर्फ 0.001% ही अवेलेबल है। और क्योंकि हमारे प्लेनेट पे इतना कम अवेलेबल है, इसी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबली नहीं हो पाता। लेकिन मून पे हीलियम 3 नाम का एलिमेंट काफी भर भर के अवेलेबल है, और मून पे माइनिंग करके अगर हीलियम 3 एलिमेंट को अर्थ पे लाया जाए तो न्यूक्लियर फ्यूजन से ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करने का बेस्ट पार्ट ये है कि ये फॉसिल फ्यूल्स के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट है और 70% ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। और यही रीजन है कि हमारे प्लेनेट की सारी कंट्रीज मून पे जाना चाहती हैं। और हम सबको पता है कि जिस कंट्री के पास ज्यादा एनर्जी होगी वही वर्ल्ड पे डोमिनेट करेगा। और इंडिया का चंद्रयान 3, जिसे मून के साउथ पोल पे लैंड कराया गया है, इसके पीछे का रीजन भी हीलियम 3 हो सकता है, क्योंकि रिसर्चर्स का मानना है मून के साउथ पोल में आइस डिपॉजिट्स एंड मिनरल्स हैं, जिसमें हीलियम 3 की भी काफी मात्रा पाई जा सकती है। अब मून पे माइनिंग करना सही है या गलत ये तो नहीं कहा जा सकता, पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि चंद्रयान 3 की वजह से आज इंडिया वर्ल्ड में डोमिनेट जरूर करने लगा है, क्योंकि इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने सक्सेसफुली अपने स्पेसक्राफ्ट को मून के साउथ पोल में लैंड कराया है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को शेयर करके और लोगों को इस बारे में जरूर बताइएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीक। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।